Hello everyone, this is nutritionist and fitness expert Rekha Mhatre and you are watching Get Low. ये है हमारा आज का पूरा वर्कआउट, ये है फैट बर्न वर्कआउट और आज है 1 अगस्त और ये सारी एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं. हर एक एक्सरसाइज के बीच में हम लेंगे 10 सेकेंड्स का ब्रेक और जब हमारी 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो लेंगे हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक और टोटल 8 एक्सरसाइजेस हैं एक राउंड में. इन सारी ही एक्सरसाइजेस के हम लगाएंगे 3 राउंड और हर एक राउंड के बाद सेट के बाद हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक. अभी हम करेंगे फर्स्ट वार्म अप क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि वार्म अप टू स्ट्रेचिंग पूरा रूटीन डालिए. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है नेक अप डाउन अप डाउन. ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है. सेकेंड एक्सरसाइज है नेक साइड टू साइड साइड टू साइड. सारी ही एक्सरसाइजेस आप 5 बार रिपीट करेंगे. अब आर्म्स रोटेट करना है आपको लाइक 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप बिगिनर है शोल्डर रोटेट कीजिए. यस 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज. बिगिनर हैं तो थोड़ा स्लो कीजिएगा, फास्ट नहीं करना. अपनी कमर पे हाथ रखिए और पूरी तरह से कमर को रोटेट कीजिए एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. ओके 5 times उससे ज्यादा नहीं करना है. आप ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है. नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़ते रहिए. लिप्स को बिल्कुल भी लॉक करके नहीं रखना है. नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आप वॉल को या फिर चेयर को होल्ड कर लेंगे और जिस तरह से मैं अपने हिप को पूरा रोटेट कर रही हूँ पूरा लेग को उठा के, उसी तरह से आपको करना है 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज. सेम आपको दूसरी तरफ भी घूम जाना है. ब्रीदिंग नॉर्मल और वॉल का या फिर चेयर का सपोर्ट लेके इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 times और एंटी क्लॉकवाइज 5 times. हिप को बहुत ही अच्छी से रोटेट कीजिए ताकि जब भी हम हिप की एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए. सेम वॉल को या चेयर को होल्ड करके रखना है और इस तरह से लेग को साइड की तरफ स्ट्रेच करना है, क्रॉस लेके जाना है और ऊपर जितना आप उठा सकें उतना आपको ऊपर उठाना है. ये भी आपको 5 times करना है. 5 times विद राइट लेग 5 times विद लेफ्ट लेग. नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम पोजिशन लेकिन इस बार आपको अपने लेग को आगे की तरफ उठाना है और पीछे की तरफ लेके जाना है. जितना आप आगे की तरफ उठा सकें जितना आप पीछे की तरफ लेके जा सकें उतना ज़्यादा आपको लेके जाना है. हर एक बॉडी पार्ट को फ्लेक्सिबल बना देना है. अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नीज पे अपने हाथ रखना है और नीज को रोटेट करना है 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज. हमारे जॉइंट्स को लिगमेंट्स को बहुत ही अच्छी से वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जंपिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त जो भी प्रेशर है वो हमारे जॉइंट्स और लिगमेंट्स पे आता है, इसलिए इनका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब आपको अपने एंकल को रोटेट करना है. दोनों एंकल्स को रोटेट करेंगे 5 times क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज. अच्छी से रोटेट कीजिए, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है. इसी तरह से आपको अपने रिस्ट को भी घुमाना है क्लॉकवाइज 5 times एंटी क्लॉकवाइज 5 times. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइजेस से. फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सीजर आर्म एंड लेग. ये एक्सरसाइज स्पेशल वार्म अप में की जाती है. इस एक्सरसाइज के बिगनिंग में ही करने से आपकी पूरी बॉडी हर एक बॉडी का पार्ट वार्म अप हो जाता है एक एक्स्ट्रा लेवल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए कभी भी जब हम हिट वर्कआउट करते हैं या फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं तो स्पेशल वार्म अप की कोई भी एक एक्सरसाइज बिगिनिंग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इससे हमारा आगे वाला वर्कआउट जितनी भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे और हमारी बॉडी भी प्रिपेयर हो जाती है मेंटली एंड फिजिकली आगे की सारी एक्सरसाइजेस को हैंडल करने के लिए, बेयर करने के लिए, उसको एक एक्स्ट्रा लेवल तक लेकर जाने के लिए. अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा स्लो कीजिए, फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना है. कंटिन्यू 1 मिनट तक आपको इसे करना है एंड डन. अब हम लेंगे 10 सेकेंड्स का ब्रेक हर एक एक्सरसाइज के बाद. मैं बता चुकी हूँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है. बैठना बिल्कुल नहीं है, रुकना बिल्कुल नहीं है. कंटिन्यू विद मी, कम ऑन स्टार्ट. सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी साइड टू साइड स्क्वाट वॉक एंड स्क्वाट जंप. अगर आप बिगिनर हैं और इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइड टू साइड स्क्वाट वॉक करेंगे या तो फिर आप स्क्वाट जंप करेंगे, लेकिन बीच में रुकना बिल्कुल भी नहीं है. 1 मिनट तक कंटिन्यू आपको फोकस में रहना है, फोकस करना है, कंटिन्यू करते रहना है.
रुक गए, इट मीन्स कि आपने टाइम चैलेंज को कंप्लीट नहीं किया है। और मुझे सब ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि किसने किसने इसको टाइम पे किया, कितने राउंड्स लगाए और बीच बीच में किस किसने ब्रेक लगाया है। तो ईमानदारी से आप लोग सब कमेंट सेक्शन में ये लिखेंगे। और ये एक्सरसाइज आपके लोअर बेली फैट, थाई, हिप, ग्लूट, लेग्स को कम्प्लीटली रिड्यूस कर देगी। जब इसको परफॉर्म करोगे आपके बर्न करेंगे आपके लेग्स, आपका ग्लूट, आपका हिप। तो अमेजिंग है ये, डन डन डन, वेल डन, वेरी गुड। बैठना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको घूमते रहना है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। थर्ड एक्सरसाइज है हमारी फोर आर्म प्लैंक टू पाइक। जिस तरह से मैंने पोजिशन लिया है उसी तरह से आपको लेना है। पहले आपको प्लैंक पोजिशन में आना है और कोर को इसमें एंगेज करके रखना है। हिप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, आर्म्स आपके मूव करेंगे, आपके लेग्स और आपके जो फोर आर्म्स है वो बिल्कुल भी मैट से नहीं हिलेंगे। आपकी बॉडी मूव करेगी, कोर को टाइट करके रखना है। पूरा प्रेशर आपके शोल्डर पे, अपर बॉडी और कोर पे आना चाहिए ताकि हमारा शोल्डर आर्म्स का फैट, बेली फैट ही इससे रिड्यूस होगा। सही तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका वही बॉडी पार्ट रिड्यूस होता है जिसकी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी ध्यान देंगे कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे प्रेशर आपके आर्म्स को रिड्यूस करने के लिए, शोल्डर, कोर को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। डन, वेल डन, वेरी गुड। और यहाँ पे है हमारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स का ब्रेक। बिल्कुल बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करनी है। अगर आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है तो लंबी लंबी सांस लेनी है और स्टार्ट, स्टार्ट नाउ। फोर्थ एक्सरसाइज है हमारी डबल लेग क्लैप अंडर क्रंचेस। इस तरह से आपको दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और आपको क्लैप करना है, अपने अपर बॉडी को उठाना है और जितना हो सके आपको क्लैप की आवाज आ जानी चाहिए। इतना आपके हाथ ज्वाइंट होने चाहिए, उतनी कोशिश करनी है आपको ऊपर उठने की। जितने आपके यहाँ पे आपका जो एब्स है, जितना स्क्वीज हो सकता है उतना आपको स्क्वीज करना है। जब स्क्वीज होगा ब्रीद आउट, और जब आप पीछे जाएंगे पेट खुलेगा तो ब्रीद इन। यहाँ पे एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। ब्रीदिंग की टेक्निक मैं काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और आप चाहे तो प्ले स्टोर से मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गेट लो मेरा ऐप है प्ले स्टोर में, उसे जाइए डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सारी मेरी ही वीडियोस मिलेंगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 2, 1 एंड डन। अभी हमारा एक राउंड पूरा खत्म नहीं हुआ है। 4 एक्सरसाइजेस के बाद, जैसे मैंने बताया था, हम 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद 4 और एक्सरसाइजेस है। तो टोटल एक राउंड में हमारी 8 एक्सरसाइजेस है। तो ये छोटा सा एक ब्रेक है जिसमें आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा पानी इट मीन्स आपको सिर्फ अपना थ्रोट को गीला करना है, हल्का सा। बहुत ज्यादा पानी पी मत लेना, बैठना मत, घूमते रहना। अभी 4 एक्सरसाइजेस और बाकी हैं, उसके बाद हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक। कम 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 स्टार्ट। 5th एक्सरसाइज है हमारी अल्टरनेटिंग लेग विद पंचेस। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरह से आप स्लो भी कर सकते हैं, स्लोली आप साइड टू साइड जाइए या फिर सामने की तरह भी आप पंच कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत कर देना कि बस मुझे अब ये करना ही है, या फिर पता चला 20 सेकंड में ही थक गए, उसके आगे फिर 1 मिनट आराम कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है आपको। चाहिए तो आप स्लो कीजिए, लेकिन 1 मिनट के जो बीच में ब्रेक नहीं लेना है। एक बार स्टार्ट हो गए तो 1 मिनट कंप्लीट जब तक नहीं होता है तब तक आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। लिप्स को कभी भी लॉक करके मत रखिए, ब्रीदिंग कंटिन्यू आपको करते रहना है। जिस तरह से हाथ ऊपर जा रहा है, हमारा साइड स्ट्रेच हो रहा है, ब्रीद आउट, दूसरी तरफ जब हम मूव करते हैं तब ब्रीद इन करते हुए करना है, और फिर जब हमारा हाथ ऊपर जाएगा ब्रीद आउट। तो ये जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। 2, 1, वेल डन, वेरी गुड। और अगेन हमारे पास है 10 सेकेंड्स का ब्रेक। बैठना तो भूल ही जाओ, आप बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आ जाइए, हमारी 6th एक्सरसाइज है माउंटेन टू चतुरंग दंड आसना।
तो इस तरह से माउंटेन पोज में आना है, चतुरंग दंडा आसना पोज में आपको मूव करना है। बहुत नीचे तक मत चले जाना क्योंकि वो पोज आपका गलत हो जाएगा। ये वाला आपकी बॉडी जो है पैरेलल टू फ्लोर, इट मींस आप चतुरंग दंडा आसना के पोज में आ चुके हैं। और ये हो गया आपका ऊपर, इट मींस माउंटेन पोज। तो कंटिन्यू स्विच करना है इन दोनों एक्सरसाइजेस के बीच में। आपको कोर को बिल्कुल टाइट करके रखना, ये फुल बॉडी वर्कआउट है। इसमें आपके हेड टू टो वर्क होता है, पूरा जो ब्लड है सर्कुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। बाल वाल झड़ रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे क्योंकि सर तक पूरा खून पहुंच जाएगा, जो दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं लैपटॉप के सामने उनके लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, एक मिनट तक कंटिन्यू। वेरी गुड, 3, 2, 1 एंड डन। ओनली 10 सेकेंड्स का ब्रेक है, अभी आप पानी बिल्कुल भी नहीं पियेंगे। आपको 30 सेकेंड्स के ब्रेक में एक बार पानी पीने दिया गया था और अब हम 1 मिनट के ब्रेक में ही पानी पियेंगे। 7th एक्सरसाइज है हमारी रोलिंग ऑन मैट एंड जंप। अगर आप अपने आर्म्स में अपने लेग्स को पकड़ के रोल कर रहे हैं मैट पे, अगर आप उस तरह से कंफर्टेबल हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, बट मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है तो मैं बिना पकड़े करती हूँ। अगर आप पकड़ के कंफर्टेबल हैं तो आप उस तरह से कीजिएगा, आप अपने आर्म्स में अपने लेग्स को पकड़ के आप रोल कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप जंप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ रोल कीजिए, स्टैंड अप एंड देन सेट डाउन एंड रोल ऑन मैट एंड डन। कोई जंप नहीं करना है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज स्पेशली लोअर बॉडी पार्ट के लिए है, लाइक पूरा बेली फैट आपका इससे रिड्यूस होगा, लोअर पार्ट, थाइस, हिप, ग्लूट, आपके काब्स। तो ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लोअर बॉडी पार्ट को रिड्यूस करने के लिए। स्लो कीजिए लेकिन पूरा 1 मिनट तक आपको कंटिन्यू से करना है। 2, 1 वेरी गुड। 10 सेकेंड्स का हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे और इसके बाद हमारी होगी 8th एक्सरसाइज और हमारा 1 राउंड हो जाएगा कंप्लीट और फिर हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक। चलो आ जाओ। 8th एक्सरसाइज है हमारी साइड प्लैंक डिप्स। इस तरह से आप पैरों को दोनों क्रॉस करके नीचे भी रख सकते हैं या फिर पैर के ऊपर पैर भी रख सकते हैं। कमर पे रखना है हाथ, एक आर्म्स को आपको कर लेना है फोल्ड और इस तरह से आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है। जब आप नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट, ऊपर आएंगे तो ब्रीद इन। साइड प्लैंक पोज में आपको रहना है एंड हिप अप एंड डाउन। इसी तरह से आपको 30 सेकेंड्स तक एक साइड करना है, फिर आप स्विच कर देंगे दूसरी तरफ और सेम पोजिशन लेनी है आपको, और इस तरफ भी आपको 30 सेकेंड्स तक इस एक्सरसाइज को करना है। ब्रीदिंग पे पूरा ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, धीरे कीजिए लेकिन आप कंटिन्यू मूवमेंट में रहेंगे, कंटिन्यू आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, हर एक एक्सरसाइज को। लास्ट 2 एंड 1 डन। राउंड 1 हमारा हो गया है कंप्लीट। बहुत लंबा ब्रेक नहीं है आपके पास, आपके पास है सिर्फ 1 मिनट। आप कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको बस घूमते रहना है आपके मैट पे। थोड़ा सा पानी पी सकते हैं आप, थोड़ा सा इट मीन्स आपको सिर्फ हल्का सा गला गीला करना है। ज़्यादा पानी पियेंगे तो आगे की सारी एक्सरसाइजेस आप इतनी अच्छी से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप बहुत हैवी और फुल फील करेंगे और आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। जिसको भी मेरी वीडियोस नहीं मिलती हैं, ये वाली काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, ये वीडियो नहीं मिल रही है, वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो ऐप स्टोर में जाइए, गेट लोड टाइप कीजिए, मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस मिलेंगी, डाइट प्लान्स, वर्कआउट प्लान्स, जो भी आपको चाहिए आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, लिंक पे क्लिक करके मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बस हमारा टाइम हो गया है अब फिनिश, हमारे पास बचे हैं 3, 2, 1 स्टार्ट।
30 सेकेंड्स का वाटर ब्रेक है, आप कहीं भी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा पानी पीना है, हल्का सा अपने गले को गीला करना है और अभी तक हमारा राउंड टू कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 एक्सरसाइजेस अभी बाकी हैं। और हाँ, अगर आप क्रॉसफिट या फिर जुम्बा के ग्रुप बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लिंक पे क्लिक करके फॉर्म को भर दीजिए। और लास्ट पेमेंट की डेट है 7th अगस्त और डाइट कंसल्टेशन उसमें बिल्कुल आपको फ्री है। Three, two.
Oh, let me up with a bright smile on now. Take me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got it feel like a sleep night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you. But don't hurry, oh sorry. Oh yeah. The moon is all on dust. You look into my eyes. Together feel so high. To make up with the twilight. My only, my bestie. You found to my life. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky. Looking high. All the people. Rest. Three, two, one. Yes, हमारा राउंड टू हो गया है कंप्लीट एंड वेल डन. जिन्होंने भी राउंड टू मेरे साथ कंप्लीट किया है, आप अपना गोल डेफिनेटली अचीव करेंगे. अगर टाइम पे अगर आप करते हैं इस पूरे वर्कआउट को, टाइम चैलेंज के साथ कंप्लीट करते हैं, तो आपका गोल बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है. आप बैठेंगे नहीं, एक ही मिनट का ब्रेक है. अब थोड़ा सा पानी पियेंगे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हल्का सा गला गीला करना है, हैवी नहीं कर लेना है स्टमक को, तो आप थक जाएंगे आगे की एक्सरसाइज करने के लिए, और आपको अपने मैट पे ही घूमते रहना है. ओके, बस अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है. 20 seconds लेफ्ट, कहीं भी जाना मत, अगर गए हो तो वापस आ जाओ. 15 seconds ही बचे हैं. कम ऑन, स्टार्ट होने वाली है, लास्ट राउंड है. फुल जोश के साथ आपको करना है, फुल फोकस, फुल कॉन्सेंट्रेशन, और पूरी ताकत लगा देनी है लास्ट राउंड को कंप्लीट करने के लिए. 3, 2, 1 एंड गो. We'll be right back.
3, 2, 1.
up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. डन हो गया हमारा टोटल बॉडी वर्कआउट खत्म गया. रुको रुको रुको, लेकिन रुको अभी तक जाना नहीं है क्योंकि स्ट्रेचिंग अभी बाकी है. विदाउट स्ट्रेचिंग हम जाने वाले नहीं हैं. आराम से बैठ जाइए अपने मैट पे, रिलैक्स हो जाइए, अपने शूज़ को निकाल दीजिए इस तरह से. यस वेरी गुड. सॉक्स को भी निकाल दीजिए, दोनों सॉक्स निकाल दीजिए. यस अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग. इस तरह से चिन आप कीजिए, सीलिंग की तरफ देखिए. पांच गिनने हैं आपको, 1 2 3 4 5. अब अपने हेड को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेच होना चाहिए. 1 2 3 4 5. इस तरह से 5 सेकेंड्स आपको अपने दिमाग में गिनने हैं, बस उतना होल्ड करना है. अब एक आर्म्स को स्ट्रेट रखिए, दूसरे आर्म्स से इसे फोल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए. 5 5 सेकेंड्स दोनों तरफ आपको करने हैं. अब एल्बोज को फोल्ड कीजिए और इस तरह से एक एल्बो को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए. जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम आपको दूसरी तरफ करना है. अपने एक हाथ से दूसरे एल्बो, हाथ की एल्बो को आपको स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ. 5 5 सेकेंड्स आप हर एक पोजिशन को होल्ड करेंगे, हर एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को होल्ड करेंगे. इस तरह से पैर को उस तरफ रखना है और स्ट्रेच करना है. आपका हिप यहाँ पे स्ट्रेच होना चाहिए. ओके, पैर के ऊपर पैर को लेकर जाइए. यस, दूसरे हाथ को इस तरह से खींचिए, हाथों से अपने पैर को, घुटने को खींचिए, आपका हिप अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा.
बढ़ते हैं अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए एक पैर को सीधा रख दीजिए, दूसरे पैर को आपको फोल्ड करके रखना है और साइड की तरफ आपको बेंड होना है, लाइक साइड स्ट्रेच करनी है, साइड बॉडी स्ट्रेच करनी है। जितना आप झुक सके, जितना आप स्ट्रेच कर सके अपने आप को, उतना कीजिए। सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है और 5 सेकेंड्स हर एक पोजिशन को आपको होल्ड करके रखना है। अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है, अगर आप नहीं कर सकते, बिगिनर हैं तो छोड़ दीजिए, बट मैं दिखा देती हूँ, जो कर सकते हैं वो प्लीज़ इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से पैरों को फैलाइए, पूरी तरह से स्ट्रेच कर देना है, स्प्लिट करना है आपको और आगे की तरफ आपको पूरा बेंड हो जाना है। ओके, इस तरह से 5 सेकेंड्स होल्ड करके आपको पीछे आना है और साइड की तरफ भी आपको बेंड होना है। 5 सेकेंड्स होल्ड करना है राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ओके, ये आप कर पाएं तो ही कीजिए, अदरवाइज ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा रखिए और अपने घुटने से अपने माथे को टच करने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं हमारी अगली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए एक पैर पे दूसरे पैर को रख दीजिए। अब उल्टे हाथ से, लाइक राइट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़ के आपको साइड की तरफ स्ट्रेच करना है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट फीट को पकड़ के साइड की तरफ स्ट्रेच करना है और इस पोजीशन को भी 5 सेकेंड से होल्ड कीजिए और अपोजिट साइड आप देखेंगे, ठीक है। अब दोनों पैरों को इस तरह से, पैरों की उंगलियों को पकड़ लीजिए, नीज को आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये आपके लोअर बैक के लिए है स्ट्रेचिंग। और हो गया हमारा, नहीं अभी एक और बाकी है। हाँ, इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए और पूरे आर्म्स को, बैक को पूरा स्ट्रेच कीजिए, हिप को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और हो गई हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ओ नहीं, एक और बाकी है, सॉरी। ये भी बैक के लिए है, जिनका भी लोअर बैक और अपर बैक पेन रहता है, ये उनके लिए है। इस तरह से स्क्वीज एंड स्ट्रेच करना है बैक को, बैक को स्क्वीज करना है और स्ट्रेच करना है। चलो जी, अब हो गई हमारी एक्सरसाइज, लेकिन अभी भी रुक जाइए। और एक ज़रूरी बात, अब आराम से आप बैठेंगे अपना पूरा वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद और आप आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर तक, जितना आपको प्यास लगी है, आराम से बैठिए और बहुत सारा पानी पीजिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।